शुरुआत करी उद्घोषक के तौर पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर से, और उसके पश्चात विविध भारती पर जो कार्यक्रम चले जिसमें उनका मुख्य कार्यक्रम था हेलो फरमाइश करके, ये कमल शर्मा जी है, और जिनके बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहे जिनको सुनने के लिए लोग बिल्कुल इंतजार करते थे, और जहां उनका वो समय हुआ लोग रेडियो के सामने आकर बैठ जाते थे। हमारे बीच में आज मुंबई से वो यहां पधारे, तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में माननीय कमल शर्मा जी को इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय डॉक्टर एन रघुरामन जी, राहुल रंगारे जी, मेरे मित्र सुधीर जी और यहाँ उपस्थित सभी मेहमान, मैं रेडियो पर बोलने का आदी हूँ, मंच पर तो इसकी आदत नहीं रही कभी, लेकिन मैं रघुरामन जी को सुन रहा था। जो जिस तरह से उन्होंने बहुत ही प्रेरक बातें कही, उनका एक एक शब्द जैसे अपने आप में एक ऊर्जा का पिंड होता है, हमारे भीतर एक नई सोच उम्मीद जगाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें, अपने सपनों को कैसे पूरा करें। हम सब सपने देखते हैं लेकिन सपनों का पीछा करते हुए उनको पूरा कैसे करें ये नहीं जानते। कई बार उसके लिए प्रयास भी नहीं करते, हाथ पांव तक हिलाना नहीं चाहते और सिर्फ सोचते रहते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनको पूरा करने के लिए साधना करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और तभी हम उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के साथ साथ हमारे भीतर और भी बहुत सारी खूबियां चाहिए। जैसे आपको भी एक साधना करनी पड़ती है, कोई भी क्षेत्र जिसमें आपको जाना है उसमें उसका साधक बनना पड़ता है। संगीत आपको सीखना है तो आपको सुर साधने पड़ते हैं, आपको पेंटर बनना है तो रंगों की भाषा आनी चाहिए, उनका संतुलन कैसे होता है, और अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती कि वो प्लेट में सजा कर रखी होती हैं या रास्ता बड़ा आसान होता है, बहुत कांटे होते हैं रास्ते में, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हम जब उनकी परवाह ना करते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। मैं अपनी बात करूँगा कि सरकारी जो नौकर होते हैं बड़े बदनाम होते हैं काम चोरी के लिए। लोग कहते हैं कि साहब ये तो 2-3 घंटे काम कर लें यही बहुत है। और मुझे याद है जब मैं नौकरी में आया तो ये भी मेरा सपना था कि मैं रेडियो की नौकरी में आऊँ। रेडियो में बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनता था, इंस्पायर होता था, कभी फिल्म देखने के तो डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, मुझे लगता था कि वाह ये कौन लोग हैं जिनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, ऐसी खूबसूरत अदायगी है, क्या हम इनके जैसे नहीं बन सकते। ये तमन्ना तो थी लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरत थी, किसी ने मुझे गाइड किया। हम सबको ज़िंदगी में मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि साहब रास्ता तो है लेकिन इसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, और वो शायद उस मेहनत का फल है। मैं स्टूडियो में 12-12 घंटे काम किया, और ऐसा भी है कि मैंने लगातार 72 घंटे ऑफिस में काम किया। मैं एक प्रोग्राम किया करता था उजाले उनकी यादों के, तो कई बार उसमें एडिटिंग में बहुत टाइम लगता था क्योंकि हमारी डेडलाइन होती थी उसको मीट करना, तो दफ्तर में ही काम करते करते वहीं चाय पी ली या कुछ खा लिया। लेकिन चूंकि मेरा एक गोल था, लिसनर को हम चूंकि हाईलाइट कर चुके होते हैं कि ये प्रोग्राम इतने बजे जाएगा तो वो कैसे भी करके जाएगा ये। और रेडियो में बहुत सारे लोग आए और मेरे से और भी हसीन आवाज़ें हो सकती हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें हो सकती हैं। कुछ तो ऊपर वाले का कर्म था और किस्मत, बाकी अपनी मेहनत। मेहनत से हम कभी नहीं घबराए, और कभी कोई चीज़ हमको अचीव करनी होती है, पाना होता है उसको, उस सपने को पूरा करना होता है, तो उसका सबसे बड़ा तो गुरुवाक्य यही है कि आप मेहनत करें। और ज़िंदगी में हम हमेशा ये सोचते हैं कि साहब दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं ही हूँ, मेरे साथ ही दुनिया की सारी जातियाँ हुई हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता। हम जब दूसरे का दुख देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारा दुख उसके सामने बड़ा ही बौना है। तो हम हिम्मत रखें, मेहनत करने से घबराएं नहीं। आप मेहनत करेंगे तो अपने आप सपने पूरे होंगे। एक इंसान जब लगातार
अपने आप को साधता है तो स्वर निकलने लगते हैं, वो बेशक वो गायकी में ना रहा हो। मैं इसका एग्जाम्पल मेरे सदगुरु दिया करते हैं कि पत्थर जो है पानी की क्या मजाल कि वो पत्थर को जो है वो काट दे, लेकिन जब वो बहुत ऊंचाई से गिरता है लगातार उस पर पड़ता है तो वो पत्थर को तराश देता है। तो ये ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में, बेशक हमको लगता है कि हम तो पानी जैसे, हमारे में तो ताकत ही नहीं है, लेकिन जब हम अपना इरादा पक्का कर लें तो हम मुसीबतों को बहुत ही उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने जिंदगी के हिसाब से उनको ढाल सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। हमारे सामने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बिखरे पड़े हैं। मुझे याद है अभी अखबार में किसी लड़की का नाम प्रिंट हुआ था, सरने में उसका नायर है, उसका याद नहीं आ रहा मुझे, मुंबई की एक बड़ी मशहूर और कुख्यात कहें, मशहूर तो नहीं, कमाठीपुरा एक बड़ी कुख्यात जगह है जहाँ पर उस बच्ची का बचपन बीता। एक ऐसी बच्ची जिसको उसके पिता ने लगातार उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जहाँ पर उसकी उसके पिता सौतेले थे, उसकी माँ एक ऐसे प्रोफेशन में थी जिससे सारी दुनिया नफरत करती है, उस प्रोफेशन में रहते, वहाँ उस माहौल में रहते हुए लड़की जो थी उसका एक सपना था कि मैं कुछ ज़िंदगी में बदलना, अपने आप को बदलना है और इस नरक से मुझे निकलना है। तो और उस नरक की यातना को झेलते हुए एक ऐसी जगह जहाँ जो वेश्याओं का इलाका है, जहाँ इस तरह के समाज के सबसे दुष्चरित्र लोग, बहुत उस तरह के लोग जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ लगातार नकारात्मकता बिखरी पड़ी है, जो लगातार आपको अवसाद में डालती है, डिप्रेशन में डालती है, सोचिए कि वहाँ एक लड़की ने जैसे अपने एक सपने को अपने लिए बचा के रखा था, उस सपने को लगातार उसने कैसे सहेजा, और फिर ऐसा भी मौका आया कि उसको अमेरिका से ऑफर आया यूनिवर्सिटी का और वहाँ वो चली गई। तो ये हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ बहुत मामूली हैं, लेकिन जिसके मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसके सामने ज़िंदगी की बड़ी ही विकट परिस्थितियाँ थी, बहुत ही विकट, वो उनसे निकले। मुझे याद है कि जैसे रघुरामन साहब को मैं सुन रहा था, उनका एक शब्द जो है वो अपने आप में, मैंने पहले भी कहा कि वो कैप्सूल की तरह है, ऊर्जा की तरह, शब्द आपको लगातार प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, वो चाहे मित्र कहें, चाहे माता पिता कहें, चाहे गुरुजन कहें, और उनकी हिदायतों में हमारा शुभ होता है, क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, तो हम उनकी राय सुनें, अपनी राय तो सुने ही, साथ साथ मेहनत से कभी ना घबराएं। मुझे मैं एटीट्यूड की बात कर रहा था, पॉजिटिविटी की बात कर रहा था। मुझे याद है कि हम एक प्रोग्राम करते हैं, त्रिवेणी उसका नाम है, तो वो इस तरह का ही कार्यक्रम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी अपने दिन की शुरुआत करे वो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट से करे। ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और ज़िंदगी से बड़ा स्कूल भी नहीं है जो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो मुझे याद है कि एक मेरा प्रोग्राम किसी लेडी ने सुना, वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी घबराई हुई, बड़ी परेशान थी, और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वो आत्महत्या करने जा रही थी। तो मेरे एक मित्र हैं, वो एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, ये हेलो फरमाइश, तो उनका मैसेज आया कि मैं कमल जी से बात करना चाहती हूँ। मैं गया मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी, सुसाइड करने जा रही थी, आपका एक प्रोग्राम मैंने सुना, उसका नाम है त्रिवेणी, और वो प्रोग्राम मैंने सुना तो मैंने आत्महत्या का इरादा त्याग दिया, और आज मैं बहुत पॉजिटिव ढंग से सोचती हूँ ज़िंदगी की सारी मुसीबतें, मुझे लगा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह की जो परेशानियाँ हैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आती है, और इससे हारना नहीं है, ज़िंदगी अपने आप में एक लड़ाई है। तो फिर वो लड़ाई चाहे हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़नी पड़े, चाहे ज़िंदगी की जो विपरीत परिस्थिति हमको हराने के लिए वो लड़ाई लड़नी पड़े, हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जब हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें शिखरों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसे ऐसे कितने लोगों को, क्योंकि मैं युवाणी कार्यक्रम देखता था, हम तो इंटरव्यू करते थे, ऐसे ऐसे लोग उनसे दो चार होना पड़ता था जो गांव के स्कूल में हैं, जिनके पास में रोशनी नहीं है, रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, खम्भे की रोशनी में बैठ करके उन्होंने IAS की तैयारी की, और आजकल तो फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हमको इंस्पायर करती है। मुझे याद है कि एक और IAS ऑफिसर जिनके फादर जो हैं रिक्शा चलाते, और वो उस इंसान ने, उसके पिता ने अपनी उसके सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बेटे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए अपने आप को जैसे कहते हैं होम कर दिया, अपनी उम्र, अपने सपने, अपनी खुशियाँ होम कर दी, लेकिन उस बच्चे ने भी अपने पिता के उस सपने को पूरा किया, और वो
IAS हुए, तो मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, कोई इम्तहान कठिन नहीं है, बस हमारे इरादे बुलंद होने चाहिए, हमें पूरा यकीन होना चाहिए अपने आप पर। अगर मैं हालात बदलना चाहता हूँ, मेरे इरादे बुलंद हैं, तो मुझे फिर उन सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं दीक्षा लिए, मेरे सदगुरु तो बोलते हैं कि आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है करें, फिर आपको इस ब्रह्मांड की कोई ताकत उस सपने को पूरा होने से नहीं रोक सकती। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, रेडियो के सामने मैंने बहुत बोला, माइक्रोफोन के सामने मेरे बड़े कम मौके आते हैं, तो मेरा ये कहना कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास शुरू हुआ है बालाघाट जैसी जगह में कौटिल्य एकेडमी के नाम से, और इसके ज़रिए बहुत सारे युवा जो हैं उनको मार्गदर्शन तो मिलेगा ही, उनके सपने पूरे होंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और हमारे देश को इस नई ऊर्जा की, युवाओं की इस नई ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आने वाले हिंदुस्तान का नक्शा बदलेंगे, उसका निर्माण करेंगे, उनके पास सोच है, टेक्नोलॉजी है, और एक क्रांतिकारी विचार भी है नए ज़माने के हिसाब से। तो यही लोग जो हिंदुस्तान का असली फोर्स है, हिंदुस्तान की असली ताकत हैं, आप सब युवा हैं, और आप जैसी ताकत जिस देश के पास में होगी उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देश तो करेगा, समाज भी करेगा, लेकिन सबसे पहले तो हम खुद अपने आप को उस लायक बनाएं कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण साबित हों, उनके लिए एक एग्जाम्पल साबित हों। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और मैं मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं राहुल रंगारे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, कौटिल एकेडमी के लिए अपने तहे दिल से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि ये एकेडमी जो है दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, और यहाँ से ऐसे ऐसे नग नगीने हीरे निकलें कि जो पूरी दुनिया में बालाघाट का नाम, देश का नाम रोशन करें। मैं आदरणीय रघुरामन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने चूँकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी इस चीज़ को कंसीडर किया आप सब ने, और बावजूद मेरा यहाँ इंतज़ार किया, मुझे मौका मिला यहाँ बोलने का। मैं आप सबका हृदय के रोम रोम से आभारी हूँ, मेरी आप सब के लिए अनगिनत शुभकामनाएं।